वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ ये थर्मो मिल्टन का थर्मो स्टील जग, ऐसा जग इसको बोलते हैं। ये 2 लीटर का जग है और इसके अंदर 24 घंटे पानी ठंडा रह सकता है। अगर इसमें गर्म पानी डालें तो 24 घंटे तक ये लगभग लगभग गर्म रहता है। और साथ ही साथ इसके अंदर आप लोग टी हो गया, कॉफी हो गया, जूस वगैरह सब कुछ रख सकते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, ये गजब का प्रोडक्ट है, काफी कमाल का प्रोडक्ट है। और मतलब इस ये प्रोडक्ट को मैंने बहुत समय से इस्तेमाल किया, लगभग 2-3 साल हो गया, लगभग लगभग मतलब उससे ज्यादा ही आसपास समय हो चुका होगा। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है ना, इसको आप अगर एक बार लेंगे तो मुझे लगता है ये आपके पूरे जिंदगी भर चलेगा, क्योंकि ये इतना ज्यादा मजबूत है, बहुत अल्टीमेट प्रोडक्ट है। और ये जग इसलिए मैं रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि आजकल सब लोग अभी घर में ही बैठे हुए हैं और इस कोविड की सिचुएशन में काफी सारे लोग वार्म वाटर कंज्यूम करते हैं। बहुत सारे उसके अलग अलग फायदे भी हैं जो कि आपको ऑलरेडी पता होगा। तो इसका फायदा क्या है ना, इसको आप सुबह सुबह इसमें गर्म पानी वगैरह भर के रख दीजिए और दिन भर आप लोग इसको धीरे धीरे करके पी सकते हैं। जैसे कि इसमें कुछ गर्म पानी रख दिए और पानी वगैरह मिला कर रख दीजिए, और जैसे मान लीजिए कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कि चाय वगैरह पीना, तो सुबह सुबह इसके अंदर चाय भर के अगर आप लोग रखते हैं ना, सीरियसली बता रहा हूँ, सफर का भी मजा आएगा और आपको पूरे सफर भर में कहीं भी बाहर का चाय और कॉफी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका जो चाय इसके अंदर होगा वो बिल्कुल एज इट इज उसी टेम्परेचर में रहता है। और ये सारे काफी ट्रस्टेड प्रोडक्ट हैं, ये मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया, क्योंकि इसके अंदर जो पूरा वैक्यूम सील ये प्रेजेंट करता है जिसके कारण जो टेम्परेचर वो एकदम एग्जैक्टली मेंटेन रहता है। तो ये बाहर से आप लोग इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये कुछ जैसे मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग बताया, ये 2 लीटर का है, गजब है यार, सीरियसली ये अल्टीमेट प्रोडक्ट है। और अगर आप सभी को ये प्रोडक्ट परचेस करना है तो मैंने जो इसकी अमेजन एफिलिएट लिंक है, जो जेन्युइन सेलर है, उनका जो लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आप सभी को दिया है, आप लोग डायरेक्टली जाके अमेज़न के थ्रू इस प्रोडक्ट को यहां पे परचेस कर सकते हैं। सो इसका आउटर आप लोग एरिया देख सकते हैं किस तरह से इसका ओवरऑल डिजाइनिंग है। यहां पे आपका मिल्टन थर्मोस्टील लिखा है और यहां पे एक हैंडल आता है, और बाहर का जो मटेरियल है वो स्टेनलेस स्टील से बना है और इसके अंदर में भी स्टेनलेस स्टील का, मैं आपको खोल के दिखाता हूं। उसका खोलना भी बहुत ईजी है, इसके ऊपर एक काफी अच्छे क्वालिटी का कैप दिया हुआ है। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मेरे पर्सनल इस प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूं, मैं आपको यहां पर रिव्यू दे रहा हूं। तो देख सकते हैं इस तरह का इसके अंदर ढक्कन है, काफी ये वैक्यूम सील के अकॉर्डिंग यहां पे ढक्कन दिया हुआ है, ये अच्छा है। और इसके अंदर का भी आपको दिखाऊं तो इसके अंदर में भी अगर आप लोग देखेंगे, अभी इसमें पानी रखा हुआ है तो इसके अंदर में भी पूरा स्टेनलेस स्टील की डिजाइनिंग है। तो यहाँ पे ऊपर में आपको स्टेनलेस स्टील मिलता है, इसके अंदर भी स्टेनलेस स्टील है, और इसके जो बीच वाला पोर्शन है वहां पे इसकी कॉपर का पूरा यहाँ पे इन्होंने सीलिंग वगैरह किया ताकि एक प्रॉपर वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट हो पाए। तो जैसे मैंने बताया, इसके अंदर आप लोग आराम से 2 लीटर तक पानी भर सकते हैं, चाय भर सकते हैं, कॉफी भर सकते हैं, जूस भी भर सकते हैं, और इसको लॉक करना भी बहुत ज्यादा इजी है, बहुत इजी को ये लॉक रहता है। और मैं आपको दिखाता हूं तो ये परफेक्टली यहाँ पे बैठता है, और जैसे अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो देखिए कोई भी पानी यहाँ पे नहीं गिरा है, क्योंकि यहाँ पे इसे एक छोटा सा बटन दिया, जब इस बटन को आप लोग प्रेस करेंगे तभी जाके यहाँ से पानी वगैरह यहाँ पे निकलेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं, अभी देख सकते हैं कोई भी मतलब बिल्कुल ना पानी का लीकेज के चांसेस नहीं है। तो आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा कि इसमें से कुछ पानी वगैरह यहाँ पे लीक हो पाएगा। तो जैसे मैं इस बटन को प्रेस करूंगा देखिएगा यहाँ से पानी निकलेगा, पानी यहाँ पे थोड़ा कम है, और जैसे इसको रखूंगा ये इमीडिएटली रुक जाता है और इसके बाद ये पूरा सील होता है। देखिए इसके बाद कुछ भी पानी वगैरह यहाँ पे नहीं निकलेगा। अगर मैं बात करूँ, काफी सारे लोग बोलते हैं इसकी हैंडल की क्वालिटी थोड़ी खराब, लेकिन यहाँ पे हैंडल क्वालिटी कोई भी यहाँ पे खराब नहीं, काफी मजबूत है। हालांकि प्लास्टिक प्लास्टिक होता है, अगर आप उसको पटकेंगे तो डेफिनेटली ये तो टूटना ही है, ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि ये स्टील का नहीं है, ये प्लास्टिक का है, और ऊपर का जो कवर है ये भी प्लास्टिक है। हालांकि अगर इसके अंदर कुछ भी आपका आइटम वगैरह खराब होता है तो कंपनी के पास आप लोग इसको रिप्लेस करवा सकते हैं, या कुछ भी चीजें होती हैं तो आप लोग डायरेक्टली उनके कस्टमर से पूछ के जो भी आपको पार्ट रिप्लेस कराना है, बनवाना है, तो डायरेक्टली आप लोग उनसे बनवा सकते हैं। तो ये बहुत एक अमेजिंग प्रोडक्ट है और काफी ईजी टू कैरी भी, अगर आप लोग ट्रैवल करते टाइम स्पेशली, या घर में अगर आप लोग गर्म पानी पीना पसंद करते हैं, या बहुत सारे इसके आपको फीचर मिल जाएंगे। तो अगर आप सभी को ये इस तरह का प्रोडक्ट लें तो आप लोग डेफिनेटली ये मिल्टन का थर्मोस्टील वाला प्रोडक्ट डेफिनेटली लीजिएगा। मैंने इसकी जो उसकी अमेजन एफिलिएट लिंक है मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप सभी लोग को थर्मोस्टील बोतल का रिव्यू देखना है तो मैंने उसका भी आई बटन में मैंने लिंक दिया है, आप लोग जाकर उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, जहां पे मैंने सेम थर्मोस्टील का बोतल के ऊपर भी एक रिव्यू दिया है। तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएगा, और इस प्रोडक्ट से स्पेशली अगर आपको कुछ भी डाउट वगैरह है तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको किसी वजह से पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएगा, और वीडियो पसंद नहीं है तो डिसलाइक कर सकते हैं, और हो सके तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको इसी तरह के प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारे रिव्यूज देखने हैं। तो सो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय।